सेनापति दुर्जय सिंह, हमें सख्त अफसोस है कि महाराज के हुजूर में हम आपसे चंद सवालों का जवाब तलब करने पर मजबूर हैं। इस औरत ने राजकुमार के पंगुड़े में एक सांप रखकर उनकी हत्या करने की कोशिश की है और इसका बयान है कि इसने ये हरकत आपके हुक्म से की। आपको इस बारे में कुछ कहना है? मंगलसेन, तुम्हारी ये हिम्मत कि एक मामूली औरत के कहने से तुम भरे दरबार में सेनापति की बेइज्जती करना चाहते हो, ये मत भूलो कि हम महारानी साहिबा के भाई हैं। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है सेनापति। मैं हर अरे गहरे की बकवास का जवाब नहीं दे सकता। दुर्जय सिंह, अदब से बात करो। सरदार मंगल सेन इस रियासत के महामंत्री हैं। वो जो बात करते हैं पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। उनके सवाल का सीधा जवाब दो। तो आप मंगल सेन को मुझसे ज्यादा हमदर्द और एतबार के काबिल समझते हैं? बेशक। ये मेरी सख्त तौहीन है। अब मेरा यहाँ एक पल भी रहना मुश्किल। जब तक मंगल सेन इस रियासत का दीवान रहेगा मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगा। हेलो, अभी हमने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। गिरफ्तार कर लो इसे। जय सिंह, आज तुम अपने असली रंग में दिखाई दिए। अब हमें पता चल गया कि जब तक तुम रहोगे हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में। होता इस राजद्रोही को कैद खाने में बंद कर दो। महाराज विक्रम सिंह के नाम पर तुम्हारी तलवार दब की जाती है। चलो। माफ कीजिए मालिक, ये रही आपकी तलवार। गजपाल, अब पानी सर से गुजर गया। वो बूढ़ा मुझे गिरफ्तार करना चाहता, मैं उसका सारा खानदान नेस्त नाबूद कर दूंगा। और आज ही